यहाँ क्या कर रही हो? ये फिश करी है, मैंने आपके लिए बनाई। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? अपने ट्रैक्स पहनो और रिंग में 5 मिनट में पहुंच जाओ। क्यों, मैं सुंदर नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम पसीने से लथपथ होके रिंग में लड़ती हो ना, तभी तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। चलो अब, कम ऑन, कम ऑन, कम 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 कम। बकवास मत करो, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। आई लव यू गुरु। क्या कहा? आई लव यू। तुम्हें क्या लगता है, एक स्टूडेंट से मैं ये सब पहली बार सुन रहा हूँ क्या? ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता रहता है। अब चलो। तुम ही तो हमेशा कहते हो कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। हे गुरु। रश्मि, अपने जज्बात काबू में रखो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बाप की उम्र के बहुत लोगों को जानती हूँ। क्या मैं सबको प्रपोज करती फिरती हूँ? अब क्या कर सकती हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक तो मैं लड़की होकर तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। जब मुझे किसी बात का डर नहीं तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हारी लाइफ में वैसे भी कोई नहीं है, तो मुझे अपना लो, मेरी बात मान जाओ, वरना कल का मैच हार जाऊंगी। हाँ, बेवकूफ, नेशनल सिलेक्शन को मजाक समझा, बॉक्सिंग पे ध्यान दे, कपड़े बदलो और प्रैक्टिस शुरू कर। गुरु, ये मजाक नहीं है, सच में हार जाऊंगी। हाँ, हे, ये तुम बिना बात के तब से मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या बात है? क्यों? लगी तो नहीं? संभाल यार, देखकर नहीं कह सकती थी। ठीक है तू? ध्यान से। चलिए, कमान। ब्लू में है रश्मि और रेड में है दीक्षा। फर्स्ट राउंड बॉक्स। हे रश्मि, अपना गार्ड नीचे मत करो। हे रश्मि, बहुत बढ़िया। You idiot! गार्ड नीचे मत करो। क्या कर रही है तू? ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, इसे मौका नहीं देना चाहिए था सर। चिंता मत करो बेटी, कम से कम ऊपर वाले की दया से लक्स जीत तो गई। वो अब भूत हो गई है, और भूत को किसी से प्यार होता है क्या? हाँ, भावना सिर्फ तुम में है। प्यार तो उसे अपने फैंस से है, तुमने उसे धोखा दिया, तुमसे क्या खाक प्यार करेगी? याद है ना, उस कोच ने मुझे 3,000 रुपए महीना देने का वादा किया था। ये सब कुछ मैंने तुम लोगों से प्यार की वजह से मंजूर किया, वरना मुझे कोई पीने का शौक नहीं है। इस लड़की ने सब कबाड़ा कर दिया। अरे चुप, बकवास बंद करो अपना। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना मैं तुमसे शादी करता और ना ये सब होता। बेकार आदमी, कुछ भी बोल तो सच्चाई तुम ही बता दो ना, क्या ये बेटी मेरी है? रश्मि, नाक पे सुन ना बेटा, इस लड़की के इसकी वजह से मेरी पूरी इज्जत खराब हो गई, सब लोग थू-थू कर रहे हैं मुझ पे। अरे जाने दो इसे, भूख लगेगी तो दौड़ती हुई घर आएगी। ऐसा नहीं करती बेटी, मेरी बात सुन, मेरे लिए रुक जा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूं। रश्मि, जाने दो, जाने दो, मैं जानता हूं ड्रामा है। रश्मि, रुक जा बेटी।
गई हो? खाना नहीं खाया क्या? Come on! बहुत लकी हो तुम। Good, don't worry. मैंने तुमसे कहा मुझे दिलासा देने के लिए। Come on! मेरी बात ध्यान से सुनो। कल्चरल टूर्नामेंट के लिए रश्मि को मेरे पास दिल्ली भेजो। कहना कि देव ने मौका दिया है। ओके ओके, जरूर सर। मैं रश्मि के नाम अभी लिस्ट में लिख देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। लगता है भाजी वाली को असली खरीदार मिल ही गया। रश्मि, रश्मि, तुम्हें एसोसिएशन में जगह मिल गई है और तुम दिल्ली जा रही हो। वहाँ तुम कल्चरल सेमिनार में फाइट करने वाली हो। देख क्या रही हो? पता है नेशनल कोच देव कतरे ने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। हमारी रश्मि अब चैंपियन बनेगी। चैंपियन। तुम आदि की स्टूडेंट हो ना? तुम्हारे और तुम्हारी बॉक्सिंग के बारे में उसने बहुत कुछ बताया है। रशियन बॉक्सर नटालिया के साथ फाइट करोगी? किसी को भी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका नहीं मिलता, किस्मत वालों को ही मिलता है, और तुम बहुत किस्मत वाली हो। कम ऑन। सर, वो रशियन फाइटर तो हैवीवेट कैटेगरी से है और रश्मि लाइट वेट से है, ये कैसे है सर? क्या तुमने 1980 के एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था? 1986 में द्रोणाचार्य अवार्ड जीता था? इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम के हेड कोच तुम हो या मैं? तुमने जिंदगी में आज तक पाया ही क्या है? हैवीवेट कैटेगरी में तुम लड़ सकती हो या नहीं, बोलो। हाँ, कहा ना, लिख के दूं। गुड, ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए एक बॉक्सर में। गुरु, कैसे हो जूनियर? अच्छे हो ना? हाँ, अच्छा हूँ सर। उस लड़की को चारों खाने चित करवा देना, ठीक है? वो वर्ल्ड चैंपियन है, जीत तो पाओगे नहीं उससे। तो जाओ, हाथ पैर ही तोड़वा के आ जाओ। रश्मि, कम ऑन। Rashmi! One, two, Rashmi! Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, knockout! Knockout, Sachin. Where is the winner? Rashmi! Rashmi! Chalo. रश्मि, ये रश्मि, देव सर तुझे बुला रहे। आओ अंदर, आओ, आओ बैठो। दर्द हो रहा है? दरवाजा बंद कर दो। बंद करो। ये मैच हार गई तो क्या हुआ? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम टैलेंटेड हो। पूरी कोशिश की थी सर। कोई बात नहीं, जाने दो। इस गेम में तुम्हें सेकंड प्लेयर की तरह चांस दिया था, अगली बार मेन प्लेयर की तरह चांस दूंगा। कम ऑन रश्मि। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहां से। ए, रुको।
इतना मासूम बनने की कोशिश मत कर। आदि सर से भी तो तेरा रिश्ता था ही ना। बकवास मत कर, उसने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया। तभी तो छोड़ दिया ना। सिर्फ टैलेंट से ही आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। जाओ जाके अपनी बहन से ज्ञान लो। तेरे पास कहां से आए? एसोसिएशन के पैसे हैं ये? चल पुलिस स्टेशन बताती हूँ तुझे। चल 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 बे, चल सीधी, चुपचाप चल। चल टेकड़ी निकल गई ना सारी, देर सर से पंगा लिया था, अब इस जन्म में तो बॉक्सिंग कभी नहीं कर पाएगी। चल जा, आने में बताती हूँ तुझे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। Upper body, come on!